हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी लोगों को पता है कि आज क्या होने वाला है। देखो यार, स्टार्ट करने से पहले मुझे नहीं पता मैं कलेक्टर को हरा पाया हूँ या नहीं, लेकिन जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। अच्छा खेलूंगा वो भी आपके सामने होगा, फाइट कैसी होगी वो भी आपके सामने होगा, जीता हूँ या नहीं वो भी आप लोगों के सामने होगा। प्लीज गेम प्ले वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आप लोगों को मजा आएगा ये गारंटी है। और देखते हैं कैसे कैसे एल्डर जो कलेक्टर है वो हमें कैसे मारेगा, कैसे वो हिट करेगा हमें, हमारे साथ वो तालमेल बिठाएगा या नहीं, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा वो करेगा या नहीं, या कुछ अलग पैटर्न आजमाएगा हम पे, वो सब तो अब पता चलेगा हमें गेम प्ले के अंदर। जल्दी से जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 5.2.6, ऐसा मेरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ आज 5.2.6 मतलब कि अनकलेक्टेड बन जाऊं। लेकिन अब क्या होगा इस गेम प्ले इस क्वेस्ट के अंदर वो तो आप लोगों को आगे आगे टाइम के साथ पता चल जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी टीम बता देता हूँ, अंदर जाके ही बता देता हूँ आप लोगों को टीम। ये मेरी टीम होने वाली है, सबसे पहले एपोक्लिप्स रखा है मैंने, ताकि क्यों, क्योंकि गैम्बिट को मैं हॉर्समैन बना पाऊँ। कॉर्विस ग्लेव क्यों रखा है, क्योंकि इसके चार्जेस करूंगा और कलेक्टर को मारने के लिए आसानी होगी, थोड़े ज्यादा हिट्स थोड़ा ज्यादा डैमेज दे दूंगा। ड्रैगन मैन क्यों रखा है, ड्रैगन मैन क्यों रखा है, क्योंकि ये पावर गेन करता है। अगर मैंने थोड़ी देर भी 10 सेकेंड भी अगर मैं उससे बच गया कलेक्टर से, तो उसको एक हिट मारने के बाद अपना स्पेशल मार दूंगा। अब मैं उसको हर कोई स्पेशल मारूंगा, चाहे ब्लॉक डैमेज में मारूं चाहे उसको डायरेक्ट हिट लगे, लेकिन मैं उसको स्पेशल देने ही वाला हूं, क्योंकि स्पेशल बचा के कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने स्पेशल बचा लिया और उसने मेरे को मार दिया तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहे ब्लॉक डैमेज हो चाहे डायरेक्ट डैमेज हो, मैं उसको स्पेशल देने ही वाला हूं जैसे ही मेरा बनेगा। और अब बात आती है स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन को क्यों रखा है, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ उसके अटैक्स कुछ स्पेशल उसके इवेड कर लूं कलेक्टर की। तो ये टीम लेके जा रहा हूं मैं, ट्राई करते हैं इस टीम के साथ में और स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेस्ट को। जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, यहाँ हो सकता है आज का जो क्वेस्ट हो, आज का जो गेम प्ले वीडियो हो वो लंबा हो, आई थिंक 40-50 मिनट का होगा। क्योंकि देखो यार, 10-15 मिनट में मैं ये सारे का सारा पाथ कंप्लीट कर दूंगा, बॉस फाइट तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब कलेक्टर को मारना पड़ेगा वो काफी टाइम लगने वाला है उसमें, क्योंकि 1.61 लाख उसकी हेल्थ है, तो उसको काफी टाइम लगने वाला है मारने के लिए, तो बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक 20 से 25 मिनट कलेक्टर ही अकेला ले लेगा। सबसे पहले जो बूस्ट मुझे यूज़ करने हैं मैं करने वाला हूं, और मैं कैंग वाला पाथ लेने वाला हूं। यहां पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं अपना कॉर्वस ग्लेव, यहां से एक चार्ज हो जाएगा, तो आगे आगे देखते हैं करना क्या है। तो ये लगा दिए हैं मैंने 15-15 और 20 मिनट के, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेस्ट को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कैंग का पाथ लेने वाला हूँ। कैंग को मारना आसान है, स्पेशल वन आसान है इसका स्पेशल 2 से। ओके, तो पहली फाइट है कैंग के साथ में। मैं एपोक्लिप्स को ले रहा हूँ क्योंकि रोल रिवर्सल है तो डैमेज ज़्यादा दे पाऊंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है फाइट में। ओके, फाइट शुरू हो गई, तो ऐसी की तैसी। ओके, स्पेशल 2 दिया, देखते क्या होता है। मर गया क्या, मर तो जाना चाहिए था। ओके, वन मर चुका है, बहुत अच्छी फाइट हुई पहली। अब नेक्स्ट फाइट है हमारी, आई थिंक मैं एंजिला वाला पाथ लेने वाला हूँ, क्योंकि सबसे इजी पाथ वही है, तो मैं एंजिला के साथ ही लड़ने वाला हूँ। तो ट्रांसफर करता है, आई थिंक वो ई पाथ है, जो भी है ई पाथ है शायद से वो, हाँ तो ई पाथ पे जाने वाला हूँ, एंजिला से लड़ने वाला हूँ। एंजिला के सामने मैं ले जाऊंगा कॉर्बस को, क्योंकि डैमेज हाई दे दूंगा यहाँ, तो मैं सोच रहा हूँ। तो एंजिला के सामने भी मैं अपोक लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से जेनेटिक कोड 3 हो जाएंगे। कॉर्बस को लेके भी कोई फायदा नहीं है, 400 मिलेगा नहीं वैसे भी, तो देखते हैं क्या होता है फाइट में। ओके, फाइट शुरू हो गई है, देखते हैं क्या होता है। पीछे हो जा, बढ़िया, स्पेशल 2, बहुत सही, ठीक है। डी जनरेशन को अपना बेन, ओके, पॉइजन
ओके, मर गई मर गई। बहुत अच्छी फाइट हुई है, बहुत अच्छी फाइट हुई है। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं, आई थिंक देखते हैं। ग्वेनपूल से लड़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि ग्वेनपूल को मारना आसान है, फैल्कन को मारना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्पेशल वन पे काफ़ी डैमेज देगा मेरे को वो। तो ग्वेनपूल को मारना आसान है, इसी को मारेंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ स्टार्क स्पाइडी को लेके जाऊँ, डैमेज थोड़ा कम है और एचपी भी कम है, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, थोड़ा ध्यान से। अरे शिट, मार ले यार। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फाइट हुई। यहाँ पे जीरो हिट हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वहां बहुत सारी फाइट है। ओके, तो रैंक अप हो चुका है, 53 लेवल पे आ चुका हूं मैं, और यहाँ पे मास्टरी कोर मिल चुके हैं। जल्दी से इसको क्लोज करते हैं, एक मास्टरी पॉइंट मिल चुका है, मैं जल्दी से वो अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद में हम चलने वाले हैं नेक्स्ट पाथ पे। तो यहाँ पे लड़ने वाला हूँ मैं, और सिविल वॉरियर के साथ पहली फाइट है, तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे ही फाइट जीत जाऊँगा उसके बाद में अपना आ जाएगा भाई हॉर्समैन पीछे। ओके भाई, मार ले स्पेशल, बहुत अच्छे से। अभी एआई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मेरे को। स्पेशल 2 दे दो उसको, बहुत बढ़िया। आई थिंक पावर लॉक कर दिया है क्या मैंने इसका। ओके नहीं, स्लो कर दिया है। स्पेशल 1, अरे शिट, इसने ब्लॉक कर दिया भाई। अरे ये तो अनस्टॉपेबल भी बन गया। अच्छा रैंडम इफेक्ट है ना। ओके ओके, मर गया मर गया, बहुत सही। यहाँ पे 4 मैंने जेनेटिक कोड बना लिए हैं। अब मैं हॉर्समैन तो बना ही सकता हूँ ना, अब तो हाँ मैं हॉर्समैन बना सकता हूँ। अब गैम्बिट को जल्दी से जाते हैं लोकी के पास में, उससे लड़ते हैं। पहले एक्टिवेट करते हैं अपनी एबिलिटी को, यहाँ पे आई थिंक हो जानी चाहिए। ओके हो जाएगी, एपोक्लिप्सी को मैंने एक्टिवेट कर लिया है, इसकी प्रीफाइट एबिलिटी। अब मेरा गैम्बिट बन चुका है हॉर्समैन, तो अब लड़ते हैं भाई, अब मजा आएगा ना। लेकिन यहाँ पे रोल रिवर्सल है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉर्वस को लेके जाऊं आगे, क्योंकि रोल रिवर्सल चल रहा है, तो कॉर्वस सही रहेगा इसके लिए, तो कॉर्वस ही लड़ते हैं। ओके भाई, क्या भाई पागल हो गया है क्या। स्पेशल 2 मार भाई, तेरा स्पेशल 2 आसान है। ओ बेन ट्रांसफर कर गया, एक ही स्पेशल 2 देना इसको, आई थिंक खत्म। ओ भाई साहब, ओपी ओपी ओपी, बहुत सही मारा है। चलो 2-3 हिट तो बज ही जाती है यार। अगली फाइट पे चलते हैं, अगली फाइट देखते हैं किसके साथ है। अगली फाइट जो है वो है ड्रैक्स के साथ में, तो यहाँ पे अपना गैम्बिट यूज करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक डिसएडवांटेज शायद से नहीं है यहाँ पे, रोल रिवर्सल यहाँ पे नहीं काम में आएगा। रोल रिवर्सल स्टार्क स्पाइडी पे काम आएगा, तो स्टार्क स्पाइडी को ही लेके जाने वाला हूँ, और इस पे लोकल नोड लगे, वही है, अनस्टॉपेबल हो सकता है ये। तो यहाँ पे चढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। ओके थोड़ा संभल के, ओके पावर ट्रेन बढ़िया। ओके बहुत भाई ओपी फाइट हुई यार, स्टार्क स्पाइडी बहुत काम में आने वाला है आगे भी मेरे को। ओके तो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं जल्दी से, देखते हैं किसके साथ है अब वो। थॉर के साथ है क्या। ओके ग्यूलोटाइन के साथ है, तो सिंपल वाला, ये इनविजिबल नहीं होगा। ओके अभी काफी सारी फाइटें लड़नी है भाई, वेनोम है, ओल्ड मैन लोगन सबसे मुश्किल फाइट होने वाली है वो।
क्योंकि वो अनब्लॉकेबल है हर जगह पे, तो थोड़ा सा कॉर्वस को हील करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके स्टार्ट होगी फाइट। अनलकी हूँ कि मैं कि यहाँ पे अपने चार्जेस नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अब ओल्ड मैन के खिलाफ बनाऊंगा। भाई ये क्या इतनी सिंपल सिंपल कैसे हो रहा है फाइट? चल तेरी तो ऐसी की तैसी। भाई ये क्या सीधे पैर ही, और मैं उसके बाद मार रहा हूँ फिर पैर ही मार रहा हूँ। बहुत आसान, ऐसे ही अगर एल्डर कलेक्टर भी रहा ना भाई, बहुत आसानी से हो जाएगा अपना। तो डॉक्टर बूटो के साथ फाइट है, यहाँ पे भी कॉर्वस को ही डिसएडवांटेज है, तो मैं कॉर्वस को ही लेके जाने वाला हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पे डैमेज में ज़्यादा दे पाऊँगा और एचपी थोड़ी कम है। ठीक है बढ़ते हैं आगे। ओके बेन को ट्रांसफर करो, बहुत सिंपल नोड है, बस ट्रांसफर करते जाओ। तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे फिर मार गया। अरे पीछे पीछे, शिट मैन। स्पेशल टू। अरे शिट, मैं नहीं चाहता था ये मारे मेरे को यार, मेरे को लगा था मैं मार दूंगा, एक से एक ही परसेंट में था ये बंदा यार। चलो कोई नहीं, एट द एंड हिट पड़ गई मेरे को, 90 की हेल्थ, देख रहे हो यार। कोई नहीं, मैं कॉर्वस को हील कर लूंगा, रिवाइव कर लूंगा, बहुत सारे हैं। अब इसको कंप्लीट करते हैं। ओके तेरी तो ऐसी की तैसी, मेरे को मारेगा, चल निकल तेरी ऐसी की तैसी। पहली हिट पे अपना गैम्बिट अनस्टॉपेबल बन जाता है, क्योंकि हॉर्समैन है तो भाई कुछ फायदे भी तो होते हैं हॉर्समैन के। ठीक है अभी देखते हैं किसके साथ फाइट है। स्टार्क स्पाइडी को लेके जाना पड़ेगा, रोल रिवर्सल है तो स्टार्क स्पाइडी ही जाएगा वेनोम के आगे, क्योंकि स्पेशल इसके अनब्लॉकेबल कर सकते हैं, वही लोकल लोड सेम है। भाई एचपी देखो 81,000 यार, तो काफ़ी काफ़ी लंबी फाइट जाएगी यार ये तो। स्पेशल टू मारने की कोशिश करूंगा इसको, लेकिन इसके स्पेशल भी तो वेस्ट कराने हैं। सबसे पहले तो इसको बेन दो। ट्रू स्ट्राइक लगा था क्या इस पे? जो इवेड नहीं हुआ। कब करेगा इवेड तू भाई? धोखा दे रहा है यार। ओके ओके मर गया मर गया मर गया, बहुत सही बहुत सही। थोड़ा ब्लॉक डैमेज मिला यहाँ पे, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ज्यादा ब्लॉक डैमेज मिला, मेरे को लगा इवेड करेगा बट नहीं किया। मेरे को कॉर्वस को यहाँ पे रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक परसिस्टेंट चार्ज इसी से मिल सकता है अब, जो भी है अब इसी से मिलेगा, तो मैं इसको रिवाइव करने वाला हूँ कॉर्वस को, और फिर आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को परसिस्टेंट चार्ज चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी रिवाइव है अपने पास, तो यहाँ पे एक 20% यूज़ कर लेते हैं। और हीलिंग बॉल्स भी बहुत सारी है, आप लोग को लग रहा होगा कम है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे फ्री क्रिस्टल पड़े हैं, तो 750 के मैं बहुत सारे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे 8 यूज़ कर लेते हैं, डिफिकल्ट होगा ये, स्पेशल अनब्लॉकेबल है, साला पता नहीं कब मारे। लो बन गया इसका, बढ़िया। अबे पॉइजन दे दिया भाई इस बंदे ने तो। आई थिंक मैंने इसको, ओ पावर लॉक हो गया ये। 32 स्पेशल टू अनब्लॉकेबल। मर जा भाई, चल तेरी ऐसी की तैसी। ओपी फाइट हो रही है अभी तक, तो ओपी फाइट हुई है सारी की सारी, बस एक दो हिट बीच बीच में पड़ा है, तो वो तो होता ही रहता है। आई थिंक कॉर्वस को एक चार्ज मिल गया होगा। अब योंडू के साथ फाइट है, ये थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। गैम्बिट का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि गैम्बिट के खिलाफ रोल रिवर्सल काम में आएगा। पहले मैं देख लेता हूँ, हाँ एक चार्ज मिल गया, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा मेरा। ब्लॉक डैमेज बिल्कुल कम हो जाएगा, अब तो जीरो ही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्लॉक होगा हर कोई। और योंडू के साथ फाइट है, तो स्पेशल 3 देना है प्रोवस 10 करके। ओके वे ब्लीड कैसे दे गया मेरे को ये, साला इसका ना मूव्स नहीं समझ में आते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को ब्लॉक परफेक्ट ब्लॉक ही नहीं हो रहा है।
अच्छा मेरा पावर लॉस हो गया भाई, वही मैं देखूं क्या हुआ क्या ये। अच्छा रैंडम इफेक्ट है ना भाई, हाँ हाँ स्पेशल के रैंडम इफेक्ट है। साला अनलिमिटेड मेरे को पावर लॉक दे गया भाई, ये तो गंदी बात है यार। ये तो मर जा मेरे बाप मर जा। ओ पी पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी भाई बहुत सही मर गया मर गया मर गया यार। इसमें मैं रैंडम इफेक्ट पे मेरा पावर लॉक ही कर लिया था भाई। यार ये तो बहुत खतरनाक नोड लगा हुआ है, लोकल नोड जो लगा है बहुत खतरनाक लगा है भाई। ये तो रैंडम इफेक्ट दे रहा है हर किसी को। ठीक है यहाँ पे ग्रूट के साथ फाइट है। ग्रूट की हमेशा एचपी ज़्यादा होती है लेकिन डैमेज हल्का सा कम होता है। स्टार्क स्पाइडी के साथ में काम में आएगा ये, तो स्टार्क स्पाइडी ले जाते हैं और क्या। ओके सबसे पहले तो इसको साले को दो ये डी जनरेशन। वो तुम्हारे दामाद लगते हैं भाई जो उनको इतना कम डी जनरेशन होता है, समझ नहीं आता मेरे को। ओके मेरा पावर गेन हो रहा है। अबे मेरे को डी जनरेशन लग रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई। ओके 22 चल तेरी तो ऐसी की तैसी। नेक्स्ट फाइट किसके साथ है, लेट्स सी देखते हैं। बहुत सारी फाइटें कर चुका हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं कितनी फाइटें करी है। स्पाइडर ग्वेन के साथ फाइट है, उसके बाद में कलेक्टर के साथ असली बॉस फाइट तो तब है हमारी। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है। ओके स्पाइडर ग्वेन, पहले सबसे पहले ये ख्याल रखो कि बेन ट्रांसफर मीडियम लाइट मीडियम यही कॉम्बो रहेगा मेरा। साली वेड करेगी ना, ये लो कर लिया, इसी का डर था। स्पेशल 3 दे सकता हूँ, नहीं दे पाया, टाइम नहीं दिया इसने यार स्पेशल 3 का। ठीक है कोई बात नहीं, नॉक आउट हो गया एक चैंपियन, कोई नहीं। कॉर्बस है अपना, कॉर्बस रिवाइव कर लेंगे यार टीम को, कोई बात नहीं एक बार क्या हो जाएगा, रिवाइव कर लेंगे। ठीक है कॉर्बस लेके चलते हैं। ओके पहले ये ख्याल रखो कि बंदी को ये दे दो। अरे इसका स्पेशल वन भी अनब्लॉकेबल है ना, ये भी काफी मुश्किल, यही फाइट भी बड़ी मुश्किल है। दो बंदे खा चुकी हैं मेरी भाई, स्टार स्पाइडी को ले जाएगा, ये भी वेड करता है, स्पेशल वन कर देगा ये वेड। बिन नो ट्रांसफर करो सबसे पहले, ठीक है 15% ओपी ओपी, मेरे को पहले ही स्टार्क स्पाइडी को ले जाना चाहिए था यार, खामखाम मेरे दो प्लेयर खा गई भाई ये। ओके तो अब हमारी बॉस फाइट है जो कि बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। ओके 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 भाई ये बहुत खतरनाक है, गदर होने वाली है फाइट। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा, मेरे कितने यूनिट्स लगने वाले हैं, आप लोग मेरे यूनिट्स चेक कर लो, 5263 है, पता नहीं कितने बचेंगे यार। चलो जो भी है अब सामने हैं आप लोगों के, तो स्टार्ट करते हैं अब ये बॉस फाइट हमारी। काफी डर लग रहा है भाई। ओके बढ़िया बढ़िया, अबे साले डैमेज क्यों नहीं ले रहे हैं, टेंसिटी आ गई। अरे शिट, मेरे को डी जनरेशन लग गया। ठीक है मेरे को पता नहीं मैंने कितना डैमेज दिया है इसको, लेकिन 161 था, 144 पे पहुंच चुका है। गैम्बिट को यूज़ करते हैं यहाँ पे, मेरे को दे देना यार, स्पेशल वन नहीं पड़ा उसको, गलती होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा ना फर्क आ गया है यहाँ पे। देखते आगे क्या होता है। 90% 10% खा ली उसकी हेल्थ, बढ़िया। तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे नहीं ओके मैंने डेक्स किया था ना, लेकिन मैंने डेक्स किया था थोड़ा बहुत, लेकिन स्टन मिल गया, स्पेशल वन पे स्टन मिलता है और फिर डी जनरेशन भी लग गया जो कि काफ़ी घातक साबित हुआ मेरे लिए। 134 पे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एपोक है ना अपने पास, ठीक है बस सारा टेंसिटी ले गया भाई। अरे भाई 82% है अभी भाई, अभी 82% बचा है यार, इसको कितना मारना है भाई। लेट्स सी इसका 85 पे कुछ कम होता था ना, पहले मैं इसकी वो एबिलिटीज पढ़ लूँ।
क्योंकि साला पता नहीं कब तक मारेगा भाई मेरे को। 85% पे आ चुका है ये, मतलब द कलेक्टर कैन नो लॉन्गर टेक मोर देन 3% ऑफ हिज मैक्स हेल्थ एज डैमेज फ्रॉम सिंगल सोर्स। बिलो 70% द कलेक्टर गेन्स अ परमानेंट बूस्ट टू क्रिटिकल हिट चांस एंड आर्मर रेटिंग इक्वल टू 1076। ओके, तो मैं यहाँ पे तीन ही बंदों को रिवाइव करने वाला हूँ। स्टार्क स्पाइडी को रिवाइव करते हैं सबसे पहले, और कॉर्वस को रिवाइव करने वाला हूँ मैं, जो आसानी से मिल जाता है पहले उसी को रिवाइव करो। कॉर्वस को रिवाइव करूँगा, और मैं करूँगा यहाँ पे सिर्फ गैम्बिट को रिवाइव, क्योंकि हॉर्समैन है वो, तो इन्हीं दोनों को मैं रिवाइव करने वाला हूँ। स्टार्क स्पाइडी को पहले रिवाइव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अरे नहीं, डी जनरेशन, अरे यार मैंने वेट कर लिए थे भाई, सारा डी जनरेशन मिल गया ना भाई। यार वो रीजनरेट कैसे कर गया भाई बंदा, 125 पे अभी भी ये बंदा। ठीक है, रिवाइव करो इसको। इसके बाद ना मैं एक बार कॉर्वस को रिवाइव करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कितना डैमेज दे रहा है। स्टॉक स्पाइडी से तो ज़्यादा नहीं देगा, बट लेट्स सी, देखते हैं ट्राई करके उसको भी। ओके, 78 पे पहुँच गया 82 से, तो नॉट अ गुड स्टार्ट, नॉट अ बैड स्टार्ट एक्चुअली। ठीक है, वेट करेगा खुद ही, स्पेशल वन, बहुत बढ़िया। पीछे पीछे, तेरी तो बाप का माल समझे भाई, एक मिनट ही रीजनरेट कर रहा है। ऐसे कैसे भाई। ओ 57% बचा है भाई, देख लेते हैं इसकी एबिलिटी 57% पे कितनी है। 91,000 पे बचा हुआ है यार। स्टॉक स्पाइडी काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है भाई इस बंदे को। 57 है ना, 55 के नीचे क्या हो गया, द कलेक्टर स्पेशल अटैक्स बिकम अनब्लॉकेबल 55 के नीचे। ओके, 40 पे क्या है, द कलेक्टर बिकेम इम्यून टू ऑल ब्लीड पॉइजन स्टन एंड पावर लॉक डीबफ इफेक्ट्स। इसका मतलब ये है स्टॉक स्पाइडी इसको स्पेशल वन पे फिर स्टन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको ही रिवाइव करने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक स्पाइडी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है यहाँ पे, तो स्टॉक स्पाइडी को ही रिवाइव करते हैं। ज़्यादा आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा है मेरे यूनिट्स यूज़ होंगे, बट फिर भी मैं कुशन लेके चल रहा हूँ 500 यूनिट्स का, 500 यूनिट्स तो लग ही जाएंगे। 91,000 एचपी है इसकी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता। ओके, 53 हो गया। अरे सारे अनब्लॉकेबल हो गए ना इसके, 49% बचा हुआ है। फिर से इसको रिवाइव करके फिर से आता हूँ जल्दी से। ठीक है, अरे भाई टेंसिटी तेरी तो बाप का माल समझा तूने भाई। हाँ, 39 आई थिंक 42 पे था जो 39 पे पहुंचा दिया 3%। हाँ वही, 3% से ज्यादा नहीं ले सकता इसकी हेल्थ में। अभी भी है 40 के नीचे, क्या था इसका, 40 के नीचे हो चुका है 39। अब बिलो 25% से ये हो जाएगा, तो कलेक्टर पीरियोडिकली बिकम्स अनस्टॉपेबल फॉर 3.5 सेकेंड, मतलब बीच बीच में पीरियोडिकली ये अनब्लॉकेबल हो जाएगा। अगर उस बीच में मैंने मार दिया तो ये हील भी कर लेगा भाई। बिलो 10% हेल्थ द कलेक्टर पीरियोडिकली एक्टिवेट एन एस्ट्रल ओवर रोल्ड रिकवरिंग इतना 6,000 हेल्थ ओवर 15 सेकेंड्स एंड इंक्रीज आर्म रेटिंग बाय 1,000। इसको रिवाइव करते हैं, अभी ये घातक साबित हो रहा है। वैसे मैं ड्रैगन मैन को अगर ले जाता हूँ इसके सामने, इसकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल 30% कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने ड्रैगन को पूरा सिग्नेचर मैक्स पे कर दिया है। उसकी एबिलिटी है ड्रैगन मैन की 30% ओपोनेंट का रिजनरेशन कम कर देता है वो। फिलहाल स्टॉक स्पाइडी घातक साबित हो रहा है, तो इसी से पंगा करेंगे अभी। 36 भाई मार गया, 36। अरे भाई यार इधर थोड़ी गलती होगी, थोड़ा लेजी हो गया, इधर साले ने पहले ही मार दिया, मौका ही नहीं दिया भाई बंदे ने। कॉर्वस को इस्तेमाल करता हूँ एक बार, कॉर्वस तो बनता ही है यार, अब इसको चार्ज बनाया है तो एक बार कॉर्वस से बनता है। कॉर्वस को इस्तेमाल करके देखते हैं कितना डैमेज दे सकता हूँ मैं इसको। 57 पे है, लेट्स सी, देखते हैं कितना देगा। 57,000 है, हाँ ओके। अरे नहीं, ओके चार्ज बचे मेरे पास। ओके
29%, 28% बचा हुआ है, ठीक है 28% बचा हुआ है बंदा अभी भी, ठीक है देखते हैं क्या होने वाला है। 57 पे था, ओके 44,000 पे बचा हुआ है भाई, ये काफी ओपी डैमेज दिया है यार कॉर्विस ने तो। इसको ही लेके जाऊं क्या आगे, इसको ही रिवाइव करते हैं और इसी से अगर मैं ओवर मार गया इसको स्पेशल वन तक तो काफी है। ओके पीछे 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 पीछे, क्योंकि बंदा मार रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्पेशल वन 23, 22। अरे भाई 22% पे है, 44,000 एचपी थी, लेट्स सी देखते हैं, कम नहीं हुई, ज़्यादा कम नहीं हुई इस बार, 35 मतलब 6-7 हज़ार ही लिए मैंने इसकी, ज़्यादा नहीं ली, 35,000 बचा हुआ है, ले जाते हैं इसको फिर से कॉर्विस को, एक बार और हील कर लेते हैं, रिवाइव कर लेते हैं, हील क्या बोल रहा हूँ, मेरे बूस्ट खत्म हो गए थे, मेरे को बूस्ट यूज़ करने पड़ गए, अब 10% वाला ही बूस्ट यूज़ किया हुआ है, 15% हेल्थ का यूज़ किया हुआ है, इसलिए डैमेज कम मिल रहा है, ठीक है 35,000 एचपी है, हो जाएगा यार, होना चाहिए वैसे, इतने 5 रिवाइव बचे हैं, 5,000 उसमें हो जाना चाहिए वैसे, लेट्स सी देखते हैं कितना मार सकता हूँ अभी भी, 22% पे बचा हुआ है। अरे नहीं यार, ये बंदा पहले ही मार देता है यार, ये बंदा पहले ही मार देता है भाई, ये बंदा मारने ही नहीं देता यार, एक मिनट 22% पे है ना ये बंदा, लेट्स सी देखते हैं 22% पे क्या है इसका सीन, 25 के नीचे कलेक्टर प्रेडिक्टली अनस्टॉपेबल हो रहा है यार बीच बीच में, स्टॉक स्पाइडी को ले जाता हूँ, 5 रिवाइव बचे हैं भाई, लेवल 2 के भी काफ़ी सारे हैं लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि लेवल 2 के यूज़ करूँ, देखते हैं। ओह मैन दिस इज रियली टफ, अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल, अरे नहीं मैं डीजन से ही मर गया भाई, उतना का उतना ही परसेंट बचा हुआ है बंदा यार, कैसे मारू साले को, आप यहाँ पे मर ही नहीं रहा भाई, ये 34 है अभी भी ये बंदा, यार ये बंदा कम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे रीजन मार रहा है बंदा, ठीक है डीजन तो दे दिया साला, हैवी भी दे रहा है 18%, अरे अनस्टॉपेबल, अरे अरे अनस्टॉपेबल, 17% बचा है, 17% बचा हुआ है, ठीक है 5% हेल्थ खा ली मैंने इसकी अभी, भाई 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 कहाँ पे, 25,000 मतलब मार सकता है, मर सकता है भाई, मार सकते हैं, और रिवाइव लगेंगे बस, मार सकते हैं लेकिन, 25,000 हेल्थ बची है इसकी सिर्फ, ठीक है स्पाइडरमैन का यूज़ करो और इसको मारो, ऐसे ही है थोड़ा थोड़ा करके ही मारना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो साले बाप का माल समझा है, 12, ओ भाई इस बार तो ज़्यादा मार दिया, 5, ओके इस बार भी 5% हेल्थ खाई है, मेरे को लगा ज़्यादा मार दिया मैंने, 18,000 एचपी है और 2-3 बार इसको मारना पड़ेगा 5-5%, और ये बिल्कुल ही डेड होने वाला है अब, ओके 18,000 एचपी है और डैमेज देखो भाई 9,000-10,000 का डैमेज है इसका, साला पैरी नहीं ना हो रहा है भाई, ये बंदा पैरी नहीं ना हो रहा है, बीच बीच में टेंसिटी मार रहा है, ये लो फिर से टेंसिटी मार गया, ओके 7, अरे भाई बाप का माल समझाए क्या, अरे मेरा स्पेशल नहीं बना, मर जा, ओ भाई ओपी ओपी यस, ओ भाई मेरे को लगा ही नहीं था अब मरेगा ये भाई साहब, मेरे को लगा ही नहीं था, मेरे को लगा था और 2-3 बारी रिवाइव यूज करने हैं, ओ भाई ओपी यार क्या मारा स्टॉक स्पाइडी से भाई साहब, बैंड बजा दी कलेक्टर की भाई, ओपी यार मतलब यूनिट्स ही यूज नहीं हुए, बिल्कुल भी 0 यूनिट्स यूज हुए हैं, बिल्कुल भी यूनिट्स नहीं हुए, क्योंकि मैंने फार्मिंग पहले ही करके रखी थी रिवाइव्स की, इसलिए यूनिट्स यूज नहीं हुए, ये सब का क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आप लोगों ने सिखाया मुझे, आप लोगों ने बताया कौन सा टीम ले जानी चाहिए, कौन सी टीम से वार करना चाहिए, कौन इसके आगे बेस्ट रहेगा, ये सब आप लोगों का है, थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू, आप लोग देख सकते हो माइलस्टोन कंप्लीटेड भाई, यहाँ पे सब कुछ अपग्रेड हो चुका है, मतलब कितने यार 11 महीने 10 महीने आई थिंक, मैं जब से गेम कर रहा हूँ शायद से 10 या 11 महीने हो चुके हैं, हाँ 10 या 11 महीने हो चुके हैं, अब जाके मैं अनकलेक्टेड बना हूँ, क्योंकि यार गेम की समझ ही नहीं थी स्टार्टिंग में,
अभी 2-3 महीने से ही समझ में आई है गेम। ओ भाई ओपी यार, ओपी भाई, मेरे को लगा ही नहीं था मैं मार पाऊंगा इसको। मेरे को बहुत डर लग रहा था, सच्ची में बहुत डर लग रहा था। आखिरकार मार दिया इसको भाई, बैंड बजा दी कलेक्टर की यार। लिटरली मैंने कितना ओपी मारा यार, कितना तगड़ा डैमेज दिया मैंने इसको यार, मान गए यार। स्टार्क स्पाइडी बेस्ट है भाई, इसको मैं मैक्स पे करने वाला हूँ। जैसे अभी ये टायर 5 का मेरे पास बेसिक कैटलिस्ट आ जाएगा, मैं इसको कर दूंगा मैक्स पे। स्टोरी आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का क्रेडिट है यार। मैंने बस गेम खेला है, सिखाया तो आप लोगों ने है। मैं अब 2-3 नाम लूंगा जिनको मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे आगे यहाँ पे सन्नी भाई आगे, कुलजीत भाई आगे, जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जसवंत सिंह साहब आगे, दीपन जे देवनाथ आगे, श्री जॉय साहा आगे, वंश दुबे साहब आगे, इन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे को जो जो नाम याद आ रहे हैं मैं उन उनका नाम ले रहा हूँ। जैसे रोशन राज भाई आ गए यहाँ पे, इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ओ टू खान जो सबसे पहले, जो हमेशा मेरी वीडियो सबसे पहले देखते हैं, कभी कभी दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, लेकिन उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो हर दिन मेरी वीडियो देखते हैं। और भी यार जैसे, और मेरे को नाम नहीं याद आ रहे क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी है ना भाई, अभी मेरे को नाम नहीं याद आते। इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, आप सभी लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग सभी लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, सब आप सब ही इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सब ने अपनी अपनी राय दी है, सब ने अपनी अपनी चॉइसेस दी हैं, सब ने अपने अपना बताया है कि कैसे सीखना है, कैसे खेलना है। और फाइनली अनकलेक्टेड हो चुका हूँ भाई। सबसे पहले तो मैं टाइटल लगाने वाला हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा हो चुका है, मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा है। जितना भी लंबा है यार, आज तो बनता है कि आप लोग देखो और वीडियो लंबा जाए। सबसे पहले मैं टाइटल लगाने वाला हूँ, टू बी कंटिन्यूड इन चैप्टर 3। ओके ठीक है भाई, देख लेंगे तो चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में मार दिया तो 3 में भी देख लेंगे। सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं टाइटल लगाने वाला हूँ, उसके बाद में जाने वाला हूँ जिसके लिए मैंने ये सब किया। नेक्स्ट ये अनकलेक्टेड बना, बजल स्टोर में जाने वाला हूँ, वहां से मैं कलेक्ट करने वाला हूँ नेक्सस 5-स्टार क्रिस्टल। तो पहले सबसे पहले तो टाइटल चाहिए मेरे को। टाइटल कहाँ है मेरा, टाइटल दे दो भाई, अभी गुस्सा बहुत है, टाइटल दे दो। अनकलेक्टेड भाई, द अनकलेक्टेड -33 इज द अनकलेक्टेड। ओके मैं अनकलेक्टेड बन चुका हूँ भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार, कितनी अच्छी ओपी टाइटल, कितना अच्छा लग रहा है। अब तो रिवॉर्ड्स भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या, ये क्लेम कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पे 7 दिखा रहा था, ये क्या दिखा रहा है मेरे को। ओके न्यू आ चुके हैं, ओके ये मेरे को अनकलेक्टेड लेवल पे करने होंगे ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे क्या रिवॉर्ड्स हैं, यहाँ भी देख लेते हैं कुछ रिवॉर्ड हैं जो मेरे लायक हैं। सबसे पहले समंदर कैंप में ये बाद में लेंगे। सबसे पहले तो जाते हैं बजल स्टोर पे, स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। अब आपको मैं ग्लोरी दिखा देता हूँ यहाँ पे। टायर 4 T4 बेसिक कैटलिस्ट मेरे को मिलता था 300 ग्लोरी में, आप 250 में ही मिलता है। और मेरे को ये 3600 जो मिलते थे 60 ग्लोरी में मिलते थे, आप 50 में मिलते हैं, तो थोड़ा सस्ता हो चुका है। ओके 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 ओके, ये चीज़ सस्ती हो चुकी है। अल्फा मेरे को मिलते थे 200 में, आप 160 में मिलते हैं ठीक है। यहाँ पे ये हो चुका है, बदल चुका है। और अपना और क्या है, और क्या है, और क्या है, डेली बजल स्टोर, जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत, टोकन देख रहे हो, अपनी स्नैपशॉट देख रहे हो, ये सब बचा के रखे थे भाई इसी के लिए, सिर्फ इसके लिए, नेक्सस क्रिस्टल के लिए। ले लो, चुपचाप ले लो, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, इसको भी ले लो, ये क्यों बचा के रखे हैं, इसको भी ले लो भाई, ये ले लिए मैंने। 6-स्टार के क्यों बचा के रखे हैं भाई, ये भी ले लो, ये क्यों रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 4775 मेरे पास हैं, इनको मैं गैदर कर लेता हूँ। 6-स्टार भी बहुत जल्दी, आई होप सो कि बहुत जल्दी मैं ले आऊँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे को भी चाहिए 6-स्टार क्रिस्टल, जो कि मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और कुछ रह गया, 5-स्टार सिग्नेचर स्टोन, ये कैसे मिस कर दिए मैंने, ले लो ले लो भाई, सब ले लो यार, अपने पास स्नैपशॉट ही तो बचा के रखे थे, किस लिए बचाए थे, इसीलिए तो बचाए थे। ओ 5-स्टार अवेकन चाहिए, ये ले लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं है, 100-150 मेरे को स्नैपशॉट जमा करने हैं, उसके बाद अवेकन जैम ले लूँगा भाई 5-स्टार का। ओके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं देखने वाला हूँ क्या लेने वाला हूँ यहाँ से। टायर 5 बेसिक कैटलिस्ट भी ले लूँगा, इसके लिए मेरे को स्नैपशॉट जमा करने पड़ेंगे, जो कि ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। समर कैंटीन में भी देख लेते हैं, और कुछ
समर कैंटीन में तो जो भी है वो उधर बाद में ही मिलेगा। ओके यहाँ पे कैलेंडर, आई थिंक कैलेंडर चेंज नहीं होगा ये वाला, हाँ अगले वीक चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आने वाले हैं। मुझे दिखा था कि ग्रैंड मास्टर क्रिस्टल मिलेगा शायद से, फैबुलस बैक आईएसओ मार्केट बंडल नहीं चाहिए भाई, हट, मैंने बिना यूनिट्स के किया है, ठीक है। बीकम अनकलेक्टेड ये आ गया यहाँ पे लेवल अप। तो एक नई चीज़ आ चुकी है, ग्रैंड मास्टर क्रिस्टल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर क्रिस्टल आ चुका है, जो कि नया चीज़ है, अनकलेक्टेड के बाद आने वाला था। और प्रीमियम हीरो क्रिस्टल में क्या चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं क्या यहाँ पे? ओके तो मैं इसको भी अनकलेक्टेड का है ये, जो भी है ईच प्रीमियम हीरो क्रिस्टल 2 स्टार 4 स्टार, ओके ठीक है कोई नहीं। अनकलेक्टेड गोल्डन क्रिस्टल, ओके ये कुछ अलग चीज़ है, ये मेरे को नहीं था पहले। अनकलेक्टेड फ्री क्रिस्टल, वेट अ सेक, भाई एक मिनट, हाँ फ्री कंक्यूरियर क्रिस्टल मेरे पास 26 थे, यही मैं सोचा था मेरे कहाँ गायब हो गए। ओके, ये अलग अलग है और अनकलेक्टेड वाले अलग है, तो ठीक है भाई। अनकलेक्टेड फ्री क्रिस्टल में क्या मिलेगा मुझे? कमबैक ऑफर टू विन हेल्थ पोशन स्मॉल एनर्जी, ओके यही मिलेगा, ठीक है कोई नहीं। भाई मैंने कितनी फार्मिंग करी थी यार इस चीज़ के लिए, मतलब रिवाइव्स के लिए, आप लोग देख रहे हो कितने रिवाइव यूज़ करे मैंने, बिल्कुल भी यूनिट्स यूज़ नहीं करे। ऊपर से ओल्ड यूनिट तो हमारे बढ़ गए ना, 35 यूनिट बढ़ गए। तो आई होप आज का गेम प्ले आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। यार लाइक करना भूल जाते हो क्या? लाइक कर दिया करो ना भाई, लाइक करते हो मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो, ऐसा लगता है कि भाई कोई है अपना जो लाइक करके जाता है। तो लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, नए हो पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो, अपने अलायंस में शेयर करो। जल्द ही मिलूंगा एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, अब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस बार जो मंथ एंडिंग में क्रिस्टल ओपनिंग होगी आप लोगों को लिटरली बहुत मजा आएगा, तो मिलता हूँ जल्द ही, बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।